हेलो दोस्तों, अभी हम हैं भारत की राजधानी दिल्ली में। ये जो है वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने होम टाउन और पुणे टू दिल्ली। काफ़ी लंबा राइड था और ये जो जर्नी है ये मेरा लास्ट ईयर हुआ था। सो यहाँ पे जो है मेरा होम टाउन से मॉर्निंग में मैं डे वन में राइड चालू किया। उसके बाद में संभाजीनगर होके मेरा जो भाई है उसको मिलके फिर मैंने पुणे तक ये सफ़र किया। पुणे में गाड़ी को सर्विसिंग करना था तो इसीलिए गाड़ी सर्विसिंग किया। मेरे दोस्तों के साथ में मैं प्लस वैली विजिट करने के लिए गया। प्लस वैली जो है पुणे में तामिनी घाट में बहुत ही फेमस जगह है। उसका एक वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। और फिर नेक्स्ट डे तो गाइज अभी हम हैं पुणे में। शुभम आया था यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए शुभम। और अभी गाड़ी जो है इसका काफ़ी लंबा खर्चा है इस बार। अभी गाड़ी पैक करके निकलते हैं दिल्ली के लिए यहाँ से। चलो चलते हैं दिल्ली। मैं पुणे से निकला। पुणे से निकलते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि पुणे में 7-8 साल मैंने स्पेंड किया था और सोचा था यहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, और शायद वो टाइम अभी आया नहीं था तो इसीलिए वहाँ से निकला। फिर आगे गाड़ी रोक के जो महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव है वो वड़ा पाव वगैरह लिया। फिर गाड़ी लेके आगे राइड कंटिन्यू किया। उसके बाद में एक जगह पे जो है गन्ने का रस लिया। रस गैलत हम लोग वैसे मस्त रस बनती है। और साइड में ही अंगूर की खेती थी तो फ्रेश अंगूर जो है वो खेत में से निकाले हुए थे, वो अंगूर एक जगह से लिया। और वैसे ही गाड़ी में वो खाते खाते जर्नी कंटिन्यू किया। काफ़ी मस्त लग रहा था। बीच बीच में बारिश हुआ तो सफ़र और भी सुहाना लग रहा था। मैंने आगे जो है सोचा कि अभी नेक्स्ट स्टॉप जो है वो डायरेक्ट लेंगे हम धुले में। धुले जो है तो जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग वगैरह किया था और सालों बाद मैं यहाँ से गुजर रहा था, बट समय कम होने की वजह से मैंने बाईपास से धुले क्रॉस किया। और उसके बाद में धुले के आगे एक जगह पे होटल में रुक के वहाँ पे खाना वगैरह खाया। धुलिया का जो है मोस्टली शेव भाजी बहुत फेमस रहता है तो ऑब्वियसली आज हम शेव भाजी खा रहे हैं यहाँ पे। अभी जो है यहाँ से निकल रहे हैं हम। मौसम बहुत ही ख़राब लग रहा है, बारिश और बहुत हवा भी है, बट निकलते हैं। निकलने के बाद में आगे अगर बहुत बारिश ज़्यादा हो रहा होगा तो कहीं रुकेंगे। हवा वगैरह तेज चल रही थी बट फिर भी मैंने सोचा कि राइड कंटिन्यू करेंगे। फिर राइड कंटिन्यू किया। 2-3 घंटे के बाद में एक जगह था शिरपुर सांगवी बोल के, तो वहाँ पे मैं रुका। सोचा था 10-15 मिनट रुकूँगा बट नींद काफ़ी आ रही थी और 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए वही रुका। और 3-4 घंटे रेस्ट करने के बाद में गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5 o'clock और हम निकल रहे गुड़गांव के लिए। ये सांगवी बोल के एक जगह है। आज 1000 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बाकी है। सो करते हैं कंप्लीट, लेट्स गो। 5 बजे फिर से एक बार राइड। डे 3 जो है तो ये सबसे मेन डे था क्योंकि आज एक ही दिन में मुझे 1100 किलोमीटर जो है वो पूरा डिस्टेंस कवर करना था दिल्ली तक, इसीलिए थोड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। एक जगह पे चाय के लिए रुका। 7 o'clock टाइम हो रहा है, एक चाय के लिए रुके यहाँ पे। चाय अच्छा बने हाँ। साइड में से बहुत ही सुंदर ऐसे सनराइज हो रहा था। फिर एक जगह पे मक्षी बोल के एक जगह है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। अभी हम रुके हैं मक्षी में और यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट है अभी का। वहाँ का क्वालिटी एकदम मस्त है। अभी निकलते हैं ग्वालियर के लिए। फिर
वहाँ से आगे मैंने सोचा कि अभी कंटिन्यू राइड करेंगे। खूब चास्तों ने पानी पी हुई थी थामू। इंदौर से लेके ग्वालियर तक का जो एवरेज स्पीड है वो मेरा 100 था। रोड काफ़ी फटाफट रोड कवर हो रहा था। सो ग्वालियर के पहले एक ढाबे पे रुका 3-3:30 बजे के आसपास। वैसे अभी टाइम हो रहा है 3:00। वहाँ पे जो है एक ढाबे पे जा के रुका, तो वहाँ पे वो बंदे ने देखा तो वो हालत देख के बोला कि भाई बहुत ज़्यादा है, गाड़ी तुम अंदर पार्क करो, और ढाबे के अंदर गाड़ी लेके गया डायरेक्ट। गाइज यहाँ पे काफ़ी देर तक रेस्ट किया है, अभी 4:30 हो रहा है, लगभग 1.5 घंटा खाना खा के सोया था। अभी धूप भी थोड़ा कम हुआ है, सो निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। बड़ा आराम किया है गाड़ी ने अभी। फिर ग्वालियर होके आगरा रोड के आसपास आगरा का जो फेमस पंचीपेटा था वो लिया, और 70-80 के स्पीड से गाड़ी कंटिन्यू किया राइड। जो है एक ही दिन में 1100 किलोमीटर कवर करना था, इसकी वजह से जो है 3-4 बार टंकी फुल करना पड़ा था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था। दिल्ली गुड़गांव के लिए राइड कंटिन्यू किया, और रात में लगभग 12:30 बजे के आसपास मैं दिल्ली गुड़गांव में पहुँच गया। यहाँ पे मुझे मतलब मेरा दोस्त था वैभव, फाइनली मतलब एक दिन में वो 1100 किलोमीटर का जो क्रेजी राइड था वो पूरा हो गया। और यहाँ पे आने के बाद में नेक्स्ट डे जो है तो ऑफिस भी ज्वाइन करना था। सो ये था गाइस क्रेजी लॉन्ग राइड RTR 200 पे, और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।